प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर महिला पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की मशहूर जर्नलिस्ट आरती टिक्कू जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जहां पर ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ हैं जी आरती टिक्कू, जो कि जर्नलिस्ट हैं। हम आरती को सुनते रहते हैं और ट्विटर पे भी बहुत देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच आरती का जा पाई। थैंक यू आरसू, थैंक यू दोबारा से बुलाने के लिए, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आरती। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इलेक्शन का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है, क्या लग रहा है आपको, क्या पब्लिक बाहर आ रही है और किस तरह का माहौल है, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि स्ट्रांग जा रही है? देखिए आरसू, बहुत इंडियन डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन सा होता है। आप देखेंगे, आपने काफी सारी न्यूज स्टोरीज भी देखी होंगी कि दूल्हा दुल्हन जो है वो शादी करने से, फेरे डालने से पहले वो अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ्स पे जाते हैं। तो उससे आपको माहौल समझ आएगा कि इंडियन डेमोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में लोकतंत्र बोलते हैं, वो कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। लोग इस कल्चर में विश्वास करते हैं। आपके पाकिस्तान में ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि आपकी एक लंबा इतिहास रहा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का, और जब आपकी यहाँ डेमोक्रेसी होती है तब भी मिलिट्री ही सब कुछ कंट्रोल करती है, सब डिसीजन मेकिंग मिलिट्री से ही आते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी, बेशक कई लोगों का मानना है कि बीजेपी के बारे में या प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बोला जाता है कि ये तो बहुत कंट्रोल में रखने वाले लोग हैं या ये पार्टी है, लेकिन आप जो उत्साह देखते हैं गांव-गांव में, टाउन्स में, सिटीज में, खासकर उस दिन जब लोग वोट करने जाते हैं, तो उस दिन समझ आता है कि ये इस कंट्री में, इस नेशन में कितनी लोकतंत्र के लिए कितनी कितना कॉन्फिडेंस है, कितना विश्वास है, और वो अपने वोट पे कितना, उनको लगता है कि वो कितना एम्पावरिंग है कि एक इंसान इस देश की डेस्टिनी चेंज कर सकता है, इस देश का जो निजाम है वो चेंज कर सकता है या उसी को रिपीट कर सकता है जो अभी पावर में है। और रही बात मेरे असेसमेंट की, मुझे लगता है कि आज भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी को एज है कंपेयर टू दी ऑपोजिशन। वो इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। जो मैं लोगों से, आम लोगों से बात करती हूँ, तो बेशक ये कहते हैं लोग कि हाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी इस सरकार से, पूरी एक्सपेक्टेशंस नहीं हुई, लेकिन साथ में वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बड़े काम करके दिखाए, खासकर आर्टिकल 370 कश्मीर को लेके, और जिस तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में, कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लगभग $4 trillion के करीब पहुंचने वाले हैं, और जल्द ही हम जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ क्रेडिट जाता है, उनकी सरकार को क्रेडिट जाता है, ये लोग अक्सर कहते हैं जब वोटिंग की बात आती है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को इन दो मुद्दों पे बहुत, मैं कहूँगी कि एज है, कि एक तो ये कि ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है, उनका जितना भी अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है, उसमें से कोई है नहीं जिसको लोग पैन इंडिया लीडर माने या एक मजबूत लीडर माने या जिनकी लीडरशिप में ये लगे कि हाँ अल्टरनेटिव क्रिएट हो सकता है। दूसरा मेरे ख्याल से जो स्ट्रांग पॉइंट बीजेपी का ये है कि जो पिछले 5 साल में काम हुए, खासकर जैसे कि मैंने कहा 370 डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं
इंडिया के लिए और इंडियन वोटर्स के लिए, तो बीजेपी मेरे ख्याल से आगे। आपको लगता है कि लास्ट 5 इयर्स में जो पब्लिक है वो कोई कुछ भारत की मैच्योर हुई है? जैसे अगर हम पाकिस्तान को देखें तो लास्ट 5 इयर्स में यहाँ की जो पब्लिक, आम लोगों को कह रही हूँ जो आपको रोड पे मिलेंगे या कहीं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आई है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम लेने लगे हैं, कि उनका भी रोल है पाकिस्तान की हालत खराब करने में, और पॉलिटिशियंस का भी है, और वो एजेंसीज को भी कहने लगे हैं, वो आर्मी को भी पॉइंट आउट करने लगे हैं। तो उससे हमें लगता है कि पब्लिक थोड़ी सी हमारी जो है वो मैच्योर हुई है, अवेयरनेस आई है। आपको लगता है कि भारत की जो पब्लिक है उसमें कोई अवेयरनेस आई है कि 5 इयर्स में, जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो कंप्लीट नहीं हो सके, तो उनको ये समझ आ रही है कि कोई गवर्नमेंट भी आए वो 100% डिलीवर नहीं कर सकती, अगर वो 50% भी करती है तब भी वो सक्सेसफुल कहलाई जा सकती है? देखिए, इनफैक्ट अभी हाल में ही मैं कहीं से आ रही थी और एक कैब ड्राइवर था और उससे मेरी बात हो रही थी, और मैंने उनको बोला कि भैया क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इसकी सरकार आ रही है? तो उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कमेंट बोला, और मुझे लगता है कि ये कमेंट, ये जो इंसाइट उन्होंने मुझे दी, ये लगभग लगभग सारा आप रूरल इंडिया में देखिए, अर्बन इंडिया में ऑलरेडी जो लोग काफी जागरूक है उनको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन अक्सर हम ये अज्यूम करते हैं कि गांव में शायद लोगों को नहीं समझ आती या नहीं पता, लेकिन ये ऐसा जो असम्पशन है वो इन्होंने जो मुझे इंसाइट दिया उससे बिल्कुल टूट जाता है वो रॉन्ग असम्पशन, कि गांव में लोगों को अवेयरनेस नहीं है या जो आम आदमी है वो अवेयरनेस नहीं रखता। उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, हम तो गरीब आदमी है, हम तो इतना ही हमको समझ आता है कि हर सरकार जो है वो अपने मुद्दे लेकर आती है और वो उन मुद्दों की या तो वो मतलब काम करेंगे उसमें, या तो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अच्छा काम करने के बाद कुछ रह जाता है या गलतियां हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां भी होती है, इतना बड़ा देश है, 1.4 बिलियन लोग है आखिरकार इस देश में, तो वो गलतियां होती रहती है, और वो सरकार चाहे जितना भी हम समझे और चाहे कि ये हमारी जितने भी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है किसी भी सरकार से। तो हमें लगता है कि बीजेपी ने बहुत काम तो किए, कुछ रह गए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में बड़ी सारी चीजों से हमारे को हमारी जिंदगी में काफी सुविधाएं मिली। तो उन्होंने मुझे गिनाने लगे बड़े सारे वो स्कीम्स जिनसे फायदा हुआ है आम जनता को, यहाँ पे आयुष्मान भारत जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है, आम जनता को इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, और वैसे ही उज्ज्वला स्कीम, गैस सिलेंडर, वैसे ही राशन जो मुफ्त में जा रहा है लोगों को, घर के लिए पैसा मिल रहा है, टॉयलेट्स के लिए पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो बिल्कुल अकाउंट्स में जा रहा है। तो वो जब उन्होंने ये कहा कि, और लास्ट लाइन ये थी कि हम ये समझते हैं कि कोई भी पार्टी ये प्रॉमिसेस करेगी और उन प्रॉमिसेस में लगभग लगभग कोशिश करेगी कि वो पहुंच पाए, क्योंकि वोट तो लेना ही लेना, तो वो कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी रह जाएगी कुछ चीजें और कुछ गलत भी हो जाएंगी चीजें। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन ये सरकार जो है इसका अभी विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इन्होंने काम अच्छा किया, गलतियां की है, लेकिन इनके इनके ऑपोजिशन में जब हम सोचते हैं कि क्या वो ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैंने जो आपको मोटा मोटा पहले कहा वही मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि भारत की जनता जो है वो बहुत जागरूक है। हम लोगों को आपको बहुत समय लगा ये समझने में पाकिस्तान की जनता को कि उनके साथ क्या हो रहा है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिस तरह का हमने देखा इमरान खान के लिए जो आउटपुअर हुआ, या मिलिट्री के खिलाफ जो डिफाइंस हमने पाकिस्तान में देखी आम जनता की, यहाँ का जो वोटर है वो बहुत जागरूक है, उसको समझ है सिस्टम की, उसको ये समझ है कि कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है,
क्या गलत है क्या सही है, और ये भी समझ आता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बहुत जरूरत है इस देश को, एक स्टेबल सरकार की बहुत जरूरत है इस देश को। तो मुझे लगता है कि वो ओवरऑल मैंने सब जगह देखा है और सब वोटर उस तरह सोचते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी के सवाल और आरती टिक्कू जी के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि हो रहे भारत के चुनावों के बारे में भी, खासकर सेकंड फेज के बाद जो हमारे देश का माहौल है उसके बारे में आरती टिक्कू जी ने बात की कि आम आदमी क्या सोचता है, चाहे वो शहर का हो या फिर ग्रामीण इलाके का हो। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।